हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सेक्टर 27। यहाँ से नया रायपुर से अगर आपको कुछ सामान चाहिए, कुछ ग्रॉसरी चाहिए या फिर कुछ भी सामान चाहिए तो यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स अभी तैयार नहीं हुए हैं, हमको 27 ही जाना पड़ता है, मतलब सेक्टर 27। हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो नॉर्मली ऐसे 27 बोल देते हैं, बट वो नाम है सेक्टर 27। तो चलते हैं अपन, बस यहाँ छोटी सी फॉर्मेलिटी, उसके बाद फिर चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज संडे है तो सारे घूमने निकल रहे हैं यार। संडे आज संडे, हेलो गाइस। तो सब मस्ती करने के लिए निकल ही रहे हैं, तो हम भी चलेंगे, चलते हैं अपन। तो बने रहिए आगे। हमारी यहाँ बस खड़ी है, ये टिकट काउंटर जहाँ हम टिकट कटाते हैं और फिर आगे जाएंगे। तो ये बस स्टॉप पूरा, इधर आगे जाने के लिए बस आती है और इधर से आप पीछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपन बस में, सीट तो मिलेगी नहीं लग रहा है। तो सारे लौंडे आज घूमने जा रहे हैं, तो बस पूरी भर चुकी है यहाँ से, ऐसे सारे लोग इधर बैठ गए हैं और इधर भी, तो हम खड़े खड़े जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मिल गए फाइनली। इसमें बस स्टॉप उतरने के बाद कुछ खाने आ गए थे, इधर दोस्त लोग खा ही रहे थे क्योंकि हम लोग स्नैक्स नहीं कर पाए थे अपना, तो यहाँ कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर अपना काम कराएंगे। राहुल को बाल कटाना है, मैं तो बस ऐसे घूमने आया हूँ वहीं आप लोग से बात करने के लिए, तो फिर ठीक है अपन पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपने काम पर। नाश्ता करने के बाद आगे थे, आगे बाल कटाने के लिए, तो यहाँ राहुल बाल कटा रहे हैं, तो चल के मैं दिखाता हूँ। बाल कटा लिए हैं यहाँ से, यहाँ से चलते हैं, देखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद सेक्टर 27 से चलते हैं। बस एक लौता यही है। वाह क्या बात, राहुल थोड़ा सा हैंडसम लग रहा है, स्माइल कर रहा है अच्छा वाला। ये कटा के हो गया तैयार, तो चलते हैं, पेमेंट वेमेंट कर दे फिर चलते हैं आगे। जी को मन हो गया गुपचुप खाने का, देखते हैं गुपचुप बन हो गया है। बाल कटाने के बाद सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो अभी हम खड़े हैं यहाँ के मार्केट पे सेक्टर 27 के। तो बस मैं वैसे ही ओवरव्यू दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ का कैसा है, तो ठीक है दिखाता हूँ और देखते हैं पूरा मार्केट। बस यहाँ और ज़रूरत की चीज़ें तो मिल ही आती हैं हमें, क्योंकि सारी दुकानें अवेलेबल है, तो यहाँ आके आप सारा सामान ले सकते हो, मेडिसिन से लेके स्टेशनरी से लेके सारी ग्रॉसरी तक। तो ठीक है अपन देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से मार्केट की शुरुआत होती है, इधर कुछ दुकानें हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है थोड़ा सा, कुछ ये खाली जगह है, वो हमारी बस स्टॉप जहाँ से अपन आए थे।
तो चलते हैं आगे। ये कुछ दुकानें हैं इधर से, तो जो मेन मार्केट है वो सामने है, तो सारे चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये यहाँ का मार्केट है, देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो मार्केट है ना, वो अपना नया रायपुर में है और स्मार्ट सिटी के नाम पे ये देखो ऐसा कुछ है, मार्केट का दृश्य कुछ नज़ारा। तो ये सारी दुकानें इधर लगी हुई हैं, आज यहाँ मार्केट है, बाज़ार है, तो सारे लोग आते हैं यहाँ, सब्जियाँ लेते हैं काफ़ी। यहाँ दो तीन वैसे अपार्टमेंट्स भी है जहाँ सारे लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छा तो नहीं है बट यही है कि अपना काम चल जाता है यहाँ बोल सकते हैं। तो ये पूरी भीड़ लगी हुई है मार्केट की, तो चलता हूँ इधर से और एक राउंड घूम जाते हैं अपन, कम से कम दिखा लेते हैं कि ये है क्या। ओके तो हमारा हो गया शॉपिंग, माल भी कटा लिया हम लोग। फाइनली हम लोग कहाँ खड़े थे, जूस कॉर्नर के पास खड़े थे और ऑर्डर किए हैं हम लोग मैंगो जूस, और हाँ मैंगो जूस आ भी गई है हमारी, दे दो भाई हमें थोड़ा सा थोड़ा सा। तो ये मैंगो जूस सही बता रहा हूँ, जब गांव में रहता था तो मैं बहुत ज़्यादा आम खाता था, यहाँ आम को मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि आम देखने को यही मिलता है जब हम सेक्टर 27 आते हैं। तो अच्छी बात है कि हम मैंगो जूस पी रहे हैं, चलिए पहले पी लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं अपन वापस। आज संडे है वैसे भी, तो हमारी बस काफ़ी लेट होगी 8 बजे समथिंग, तो फिर चलेंगे आराम से। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हमारी बस आज काफ़ी लेट है क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन में बसेस जो है ना वो काफ़ी लेट होती है। तो हमारी बस है 8 बजे, और मैं एक चीज़ बोल रहा था, मेरा रूममेट योगेश्वर जो है वो लाने वाला था एग रोल, तो खाना है एग रोल, वो ला देने बोला था और मैं भूल गया था, तो टाइम अपने पास है तो मैं आ गया हूँ इधर, एक रोल लेके चलते हैं। हाँ बस आई है 8 बजे और हम लोग यहाँ से अभी चलते हैं अपने हॉस्टल, तो चलें।